धर्म परिवर्तन करने के नाम पर जबरदस्ती बनाया जा रहा दबाव, जिसकी शिकायत करने महिला और उसका बेटा पहुंचे मोहनगर थाना। मोहनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोनी परिवार के मां बेटे को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराए जाने की शिकायत सामने आई है। शिकायत को लेकर मां बेटे मोहनगर थाने पहुंचे और शिकायत में बताया कि महिला की ननंद और उसके परिवार के लोगों द्वारा दबाव पूर्वक उसके ऊपर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा था, जो उसकी इच्छा के विरुद्ध है। वह धर्म परिवर्तन नहीं करना चाह रही है। महिला ने अपनी सुरक्षा को लेकर मोहनगर थाने में शिकायत दर्ज की है और कार्रवाई करने की मांग भी की है। इसी मामले में महिला का बेटा भी थाने में पहुंचा हुआ था और मां बेटे दोनों ने मिलकर दबाव पूर्व धर्म परिवर्तन कराने की बात कही है। इस मामले की शिकायत मोहनगर थाना प्रभारी तक पहुंची और उन्होंने आगे की कार्रवाई करने की बात कही। मैं सर मोहनगर थाने इसलिए पहुंची हूं कि मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, वहाँ धर्म परिवर्तन करने के लिए भी अपने इसमें शामिल करना चाहते हैं। और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे वहाँ रहने दिया जाए और मुझे धर्म परिवर्तन करने से तो मेरे ऊपर दबाव ना डाला जाए। मुझे आज थाने पूरे कमरे में बंद कर दिया, सब तरफ से ताला लगा दिए। मेरे नंदों ने सब ने मिल के मुझे सब तरफ से बंद कर दिया और सिलेंडर लेके ऊपर चढ़ रहे थे कि आज हमको मतलब कुछ उनका मतलब व्यवहार सही नहीं लग रहा था कुछ। मैं उनके हिसाब से नहीं चल रही हूँ, वो मुझे धर्म चेंज करने के लिए अपने हिसाब से मतलब पूरा करने के लिए उन्होंने कोशिश, वो अपने मुस्लिम धर्म में आने के लिए कहते हैं। मेरी छोटी नंद मुस्लिम हो, उन्होंने अपने पूरे और भी लोगों को शामिल कर लिया है और मैं उसमें नहीं हो रही हूँ, इसलिए मुझे परेशान करा जा रहा है। हम लोग सोनी है, हम लोग सोनार है। परेशान तो बहुत समय से चल रहा था पर इस बार कुछ ज़्यादा ही। मेरे हस्बैंड नहीं है, 2 महीना पहले उनका देहांत हुआ है। उसके बाद से उनको भी टॉर्चर करते थे कि वो भी शामिल हो जाए, पर वो तो नहीं हुए, है ना, शांत हो गए। उसके बाद फिर से मुझे टॉर्चर करना शुरू किया। मैं थाना प्रभारी सर से यही उम्मीद चाहती हूँ कि मुझे वहाँ रहना दिया जाए। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मैं खुद अपना सेल्फ डिपेंड मतलब काम करने जाती हूँ। मैं मुझे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव ना डाला जाए। मेरी बुआ आज अचानक से ऊपर चढ़े और उन्होंने हम लोग को खाली कराने की धमकी दिया और जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया और ऊपर सिलेंडर लेकर चढ़ रहे थे, तो और हम नहीं खाली किए तो ऊपर ताला लगा दिया घर दादा के नाम। वो चाह रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ हमारे जैसे हम लोग जैसा चाहते हैं वैसा रहो, नहीं तो फिर आप लोग यहाँ से जाओ। मेरी सबसे छोटी वाली बुआ मुस्लिम बन गई है तो वो चाहती है कि सब वैसे ही रहें। उनकी दोनों जो बहनें हैं, मेरी जो 2 बुआ है वो उनके हिसाब से ही चलती है और मेरी दादी भी उनके हिसाब से चलती है, तो वो चाहते हैं कि हम लोग उनके जैसे रहें। उन्होंने अपने कुछ बोले थे, 1-2 भजन दिए थे, बोलते हैं कि ये वाले बजाओ, इस पे ज़्यादा पावर है करके। इसका भजन वो कुछ मुस्लिम का ही था कुछ जी। प्रार्थी अन्नपूर्णा सोनी निवासी शंकर नगर द्वारा थाना मोहन नगर में एक लिखित आवेदन पत्र दिया गया है कि आज उनकी ननंद और उनकी सास के द्वारा उन्हें प्रॉपर्टी का विवाद होने से घर से बाहर निकलने के लिए कहा गया और इन्होंने मना किया तो उनको जो है घर में बंद कर दिया गया था। और इसी मुद्दे पर आवेदन पत्र की जांच की जा रही है। उनकी सास और उनकी जो ननंद है वो उनका भी बयान लिया जाएगा और उसके बाद इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी पूरी जाँच करने के बाद। नहीं, अभी वो लोग हिंदू है, हाँ। उनकी सास हिंदू है, हाँ। तो फिर कैसे धर्म परिवर्तन? अभी उसकी जांच होगी ना? नहीं, नहीं, लेकिन नाम तो अभी भी हिंदू चल रहा है ना। दोनों पक्षों को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? एक दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही अपन उसमें कोई डिसीजन ले पाएंगे कि वास्तविकता क्या है। ठीक है, 2 लोगों के बीच की बात है, एक ही परिवार के बीच की बात है, जाँच की जाएगी।